एवरीवन दिस इज मी स्टार बॉय। हम लोग आए हैं मूवी देखने काल की, साथ में जिसान है, चाचू लोग हैं और बाकी सब लोग। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। देन उसके बाद हम सब आ गए टिकट लेने के लिए अपने अपने, और यहाँ दोनों पर्दों पे लगी हुई मींस मूवी का क्रेज अच्छा है। तो अभी हम लोग ने टिकट ले लिया और हम अभी एंटर करेंगे। लोग आ गए हैं ऑमलेट पाव लेने के लिए और यहाँ पे रियान खड़ा हुआ है। देन उसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग में थोड़ी सही लगने लगती है। A few moments later. पिक्चर को समझ में आई? No, no, no. No, 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 no. अभी हम लोग निकल गए हैं मूवी देख के और मैं रिव्यू आपको घर जाके देता हूँ। सो गाइस, मैं आ जाता हूँ अब अपने रिव्यू पे कि मुझे कैसी लगी मूवी। तो मूवी बहुत ज़्यादा एवरेज है, उसका VFX वगैरह अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी कमज़ोर लग रही है मूवी की। लगी मतलब इसका पार्ट 2 भी आने वाला है क्योंकि मेन विलन मरा नहीं है अभी तक। सो पार्ट 2 भी आएगा बट मैं शायद से ही देखने जाऊंगा पार्ट 2, बिकॉज ये मूवी बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग भी लगी एक्चुअली। स्टोरी को एक लंबा खींचने की ट्राई किया गया है इसमें, मूवी लंबी खींची गई है, 3.5 घंटे की कुछ की है ये, तो बहुत ज़्यादा लंबी मूवी है और बोरिंग है एक्चुअली। बीच में आपको बहुत ज़्यादा बोर होने लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत मज़ा आएगा आपको, थोड़े बहुत फनी सीन है और इमोशनल सीन भी है एक दो, बट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और मुझे इतनी खास नहीं लगी। अगर मैं गाने तो मुझे और सॉन्ग तो और पसंद नहीं आए हमें, और अगर मैं बात करूँ VFX की ये सब की तो ये सब चीज़ अच्छी है। फाइट वगैरह सब स्लो थी इसमें, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था देखने में भी। जैसे एक सीन होते हैं कि मतलब देख के लगता है कि वाह क्या सीन है यार, ऐसा एक भी सीन नहीं था इस मूवी में, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। बहुत ज़्यादा एवरेज मूवी है और मैं इस मूवी को 5 out of 2 star दूंगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप देखोगे या नहीं देखोगे। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी तो आप लोगों को कैसी लगी और अभी तक आप देखने गए या नहीं गए। तो तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।